गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल बच्चों आज हम एस वर्कशीट रिविज़न करेंगे ओके वर्कशीट के अंदर आपको प्रश्न नंबर एक दिया है तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं जैसे विशु की मम्मी ने उसे क्या बनाना सिखाया तो उसका उत्तर आपको लिखना है नीचे जो लाइन दी गई है उसके अंदर आपके उत्तर होने चाहिए रिया ने अपनी माँ को क्या दिया तो उसके आंसर आपको नीचे लिखने हैं इस प्रकार आप अच्छे से वो आंसर लिखना वर्णों के सार्थक मिल से क्या बनता है बच्चों हाँ बोलो वर्णों के सार्थक मिल से शब्द बनते हैं इस प्रकार आप पूरी तैयारी करना प्रश्नों के उत्तर की के okay. प्रश्न नंबर दो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बच्चों यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स क्या करना है कि जो यहाँ पे मैंने ब्लैंक दी है उसके आंसर आपको बाजू के ब्रैकेट में दे दिए हैं। वहाँ से आपको सही आंसर चुनकर ब्लैंक में रखना है और पूरा कंप्लीट करना है इस प्रकार आप ब्रैकेट में से सही आंसर को चुनो और उसको रखो इस प्रकार फुल फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी प्रश्न नंबर तीन के ऊपर सही गलत बताइए बच्चों यहाँ पे आपको सही गलत जैसे पूरे वाक्य को समझो ये वाक्य सही है या गलत है वो जानो और उसको आपको बाजू में अगर राइट है तो राइट का चिन्ह लगाना है और रोंग है तो रोंग का चिन्ह लगाना है इस प्रकार आप ये करते जाओगे जैसे पहला है मॉरिशियस की भाषा उर्दू है बताओ सही है या गलत तो गलत है तो क्या करोगे बाजू में जो ब्रैकेट है ना वहाँ पे आप क्रॉस यानी गलत है तो वो चिन्ह लगाओगे फिर घर में सब लोग बहुत दुखी थे ये भी गलत है कागज़ की नाव में सब बैठ सकते हैं सही है कागज़ की नाव में हम सब बैठ सकते हैं क्या नहीं ना तो ये भी गलत है मनोरंजन में भी कुछ ना कुछ उपयोग होता है तो ये तो राइट है तो वहाँ पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है इस प्रकार आपको ये सही गलत बताना है आगे है शब्दार्थ लेखन बच्चों यहाँ पे आपको शब्दार्थ लेखन आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़े हैं ना उसके शब्दार्थ आपको हम लिखने के लिए बोलते थे है ना तो यहाँ पे जो निराला शब्द है उसका अर्थ क्या होगा शब्दार्थ क्या होगा वो आपको लिखन करना है जैसे उपहार है तो उपहार को क्या कहा जाता है वो सारी शब्दार्थ को आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना है वर्णों को क्रम में लगाकर सही शब्द बनाइए प्रश्न नंबर चार का अ यहाँ पे बच्चों अलग अलग वर्ण जैसे शब्द तो एक है लेकिन वर्ण को उलट पुलट करके रख दिया है तो आपको पहले सही वर्ण लगाने हैं जैसे पहला है ल प्लस म प्लस क है तो आपको क्या करना है कौन सा शब्द है ये तो हाँ हाँ बोलो कलम तो पहला शब्द है ना जैसे उलट पुलट वर्णों को क्रम में लगाकर सही शब्द बनाना है तो बाजू में उत्तर में आप क्या लिखोगे कलम ऐसा मत लिख देना लकम आपको सही बनाना है शब्द चलो र प्लस सु प्लस ज आपको सही शब्द बनाने हैं तो कौन सा शब्द है ये पहले देखो कौन सा शब्द बनेगा सूरज है ना चलो इस प्रकार तीसरा है ला प्लस ग प्लस म तो ये तो उलट पुलट वर्णों को हमको सही क्रम में लगाना है कौन सा शब्द है गमला इस प्रकार पूरे वर्णों को आप अच्छे से करो और सही शब्द लिखो चलो आप लोगों ने ऐसे तो किया कि शब्दों को उलट पुलट लेकिन यहाँ पे तो शब्द उलट पुलट रख दिए हैं पहले वहां पे वर्ण उलट पुलट थे यहाँ पे शब्द उलट पुलट है तो आपको सही वाक्य बनाने हैं बच्चों सही वाक्य बनाने के लिए आप पहले पूरा वाक्य पढ़ो और फिर पता चलेगा ये वाक्य तो गलत जैसा है तो उसको आपको सही क्रम में लगाते जाना है जैसे यहाँ पे है, है प्लस होती प्लस वर्षा है ना गलत तो पहले कौन सा आएगा वर्षा होती है सही वाक्य बनाने हैं दाना प्लस है प्लस चिड़िया प्लस चुगती तो आपको सही शब्द पहले लिखना है जैसे चिड़िया दाना चुगती है इस प्रकार पूरे वाक्य को आप सही बनाओ शब्दों को सही क्रम में रखो और पूरे वाक्य सही बनाओ अब प्रश्न नंबर पाँच सही जोड़ मिलाइए यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है चलो ये तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए आपको पता ही है कि मोर है तो उसका स्त्रीलिंग रूप होगा कौन सा मोरनी तो सामने आपको मोरनी को ढूंढना है और मोर के साथ जोड़ देना है वैसे है सेठ तो उसका स्त्रीलिंग रूप क्या आएगा बच्चों सेठानी तो आपको वो ढूंढना है वो और वहां पे जोड़ देना है चलो शब्दों के ऊपर से वाक्य बनाओ शब्दों के ऊपर से वाक्य बनाना आता है ना आपको यहाँ पे शब्द लिखना है तो लिखना शब्द से आप क्या बनाओगे हमें सुंदर अक्षरों से लिखना चाहिए ऐसे भी बना सकते हो फिर मैंने आंसर दिया है वैसे भी आप भी लिख सकते हो तो इस प्रकार ये वाक्य भी आपको कंप्लीट करने हैं जो शब्द दिए गए हैं ना, वो शब्द वाक्य के अंदर आना चाहिए ओके अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट Stay home, stay safe.